हरमाड़ा क्षेत्र के अक्षरधाम अकेडमी स्कूल के प्रांगण में आज योग सेवा वेदांत समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स के योगदान और भारतीय संस्कृति पर आधारित शानदार कार्यक्रम पेश किए। बच्चों ने सरस्वती की पूजा कर उनसे ज्ञान और बुद्धि देने की याचना की है। इसी दौरान बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर उनको तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं जिनके पेरेंट्स शामिल नहीं हो पाए तो वहीं गुरुजनों को तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रेणी में स्टूडेंट्स ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती से जुड़े संगीत नाटिका नीलपरी और सोलो डांस जैसे कई बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। समारोह के अंत में प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वालों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान करके सम्मानित भी किया गया। वहीं निदेशक सीमा शर्मा का कहना है कि समाज में विकृतियां तभी पनपती है जब अच्छी शक्तियां चुप में साथ देती है। आज जरूरत इस बात की है कि इन शक्तियों को जगाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जोर शोर से उपाय किए जाएं। समाज में इस सकारात्मक काम को अंजाम देने का काम स्कूल कॉलेज और बुद्धिजीवी लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। शर्मा ने बताया कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा को ही ब्रह्मांड की परिक्रमा माना था और संसार में प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया था। माता पिता की सेवा करने वाले ही गणपति के समान बुद्धिमान बनते हैं। वहीं स्कूल प्रिंसिपल पुष्पा का कहना है कि माता पिता की सेवा और उनसे आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। शर्मा ने कहा कि स्कूल प्रशासन हमेशा ऐसे आयोजन समय समय पर करवाती है। इसके साथ ही बच्चों को कहा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। वहीं बच्चों को वचन भी दिलाया गया। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।